दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ये जो स्टोरी है वो अकबर बीरबल की जो सीरीज़ है उसमें से ली गई है। और आज की इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ब्रेकिंग फ्रेंडशिप। क्या मतलब हुआ? फ्रेंडशिप का मतलब होता है दोस्ती या फिर मित्रता। ब्रेकिंग फ्रेंडशिप मतलब कि दोस्ती को तोड़ना। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको हर लाइन के अंदर जो ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है उसे अच्छी तरह से समझाऊँगा, और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे ज़रूर नोट करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अ वेरी डीप फ्रेंडशिप स्टार्टेड ग्रोइंग बिटवीन सलीम द सन ऑफ द एम्परर एंड द सन ऑफ अ मिनिस्टर। क्या मतलब हुआ? अ वेरी डीप फ्रेंडशिप। डीप फ्रेंडशिप का मतलब होता है गहरी दोस्ती या गहरी मित्रता। स्टार्टेड ग्रोइंग, दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है स्टार्टेड ग्रोइंग, जब भी हम किसी वाक्य के अंदर ये शो करना चाहते हैं कि कोई काम पास्ट में अचानक होने लगा, तो वहाँ पर स्टार्टेड का प्रयोग किया जाता है, और ये पास्ट इंडेफिनेट का वाक्य है। और स्टार्टेड के बाद यदि हम कोई वाक्य बनाते हैं तो स्टार्टेड के बाद हमेशा ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? अ वेरी डीप फ्रेंडशिप स्टार्टेड ग्रोइंग, मतलब कि एक बहुत ही गहरी दोस्ती, डीप फ्रेंडशिप मतलब गहरी दोस्ती, स्टार्टेड ग्रोइंग मतलब कि बढ़ने लगी। बिटवीन, बिटवीन का मतलब बीच में, बिटवीन सलीम, सलीम के बीच में, द सन ऑफ द एम्परर, जो क्या जो कौन था? सलीम द सन ऑफ द एम्परर मतलब कि सम्राट का बेटा, एंड द सन ऑफ ए मिनिस्टर, और मिनिस्टर के मतलब कि मंत्री के बेटे के बीच में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? अ वेरी डीप फ्रेंडशिप स्टार्टेड ग्रोइंग, मतलब कि एक बहुत गहरी दोस्ती पनपने लगी, या कह सकते हैं कि होने लगी, बिटवीन सलीम द सन ऑफ द एम्परर एंड द सन ऑफ ए मिनिस्टर, मतलब कि सलीम जो राजा का बेटा था, मतलब कि सम्राट का बेटा था, एम्परर का मतलब था सम्राट, और द सन ऑफ ए मिनिस्टर और मंत्री के बेटे के बीच में। चलिए आगे देखिए। हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। हाउएवर अकबर डिड नॉट लाइक दिस बडिंग फ्रेंडशिप। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव वाक्य है, और आपको ये चीज़ हमेशा ही याद रखनी है, जब भी पास्ट इंडेफिनेट में आप नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग करना होता है, और साथ में आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि नेगेटिव वाक्य में डिड नॉट के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? हाउएवर, हालांकि, अकबर डिड नॉट लाइक, अकबर को पसंद नहीं आई दिस बडिंग फ्रेंडशिप। बडिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उभरती हुई, तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, बडिंग फ्रेंडशिप मतलब उभरती हुई दोस्ती। तो इस पूरे लाइन का क्या मतलब हुआ कि हाउएवर अकबर डिड नॉट लाइक दिस बडिंग फ्रेंडशिप, मतलब कि हालांकि अकबर को ये उभरती हुई दोस्ती पसंद नहीं आई। चलिए आगे देखिए। ही कॉल्ड बीरबल, कॉल का मतलब होता है किसी को बुलाना, पुकारना। ही कॉल्ड बीरबल, उन्होंने बीरबल को बुलाया, एंड सैड, और कहा, बीरबल डू समथिंग, बीरबल कुछ करो, डू मतलब करना, डू समथिंग मतलब बीरबल, डू समथिंग बीरबल कुछ करो, टू ब्रेक द फ्रेंडशिप, टू ब्रेक मतलब तोड़ने के लिए, द फ्रेंडशिप दोस्ती को, बिटवीन माई सन मतलब मेरे दोस्त, सॉरी बिटवीन माई सन मतलब मेरे बेटे, एंड द मिनिस्टर्स सन मतलब मेरे बेटे और जो मिनिस्टर का जो बेटा है, मतलब मंत्री का जो बेटा है, उसके बीच में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उन्होंने अकबर को बुलाया और कहा कि बीरबल कुछ करो दोस्ती तोड़ने के लिए, बिटवीन माई सन एंड द मिनिस्टर सन मतलब मेरे बेटे और मंत्री के बेटे के बीच में। चलिए आगे देखिए।
आई डू नॉट लाइक इट। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव वाक्य है। तो जैसा आपने ऊपर देखा जो पास्ट इंडेफिनेट में डिड नॉट का प्रयोग किया गया था, ठीक उसी तरह से जब आप प्रेजेंट इंडेफिनेट में नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, यदि हमारा वाक्य ही शी इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ पर डज नॉट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तो वहाँ पर डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ डू नॉट का प्रयोग किया गया है। क्या मतलब हुआ, आई डू नॉट लाइक इट, मतलब कि मैं ये पसंद नहीं करता हूँ या मुझे ये अच्छी नहीं लगती है। चलिए बीरबल सैड, बीरबल ने कहा ओके ठीक है, आई विल डू इट, मैं ये करूँगा, आई विल डू इट, मैं ये करूँगा। बीरबल वेंट स्ट्रेट इन टू द गार्डन वेयर सलीम एंड हिज बेस्ट फ्रेंड वर सिटिंग इन द स्विंग एंड चैटिंग। चलिए इसको देखते हैं दोस्तों क्या मतलब हुआ इसका। ये जो हमारा वाक्य है बीरबल वेंट स्ट्रेट, ये पास्ट इंडेफिनेट का पॉजिटिव वाक्य है, मतलब कि अफर्मेटिव। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी कि जब भी हम पास्ट इंडेफिनेट के अंदर अफर्मेटिव का कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है और किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल नोट कर लें और अच्छी तरह से इसको समझ लें। तो जब भी आप प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट में अफर्मेटिव का कोई वाक्य बनाएंगे वहां पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग आपको करना है। तो क्या मतलब हुआ, बीरबल वेंट स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब सीधा, बीरबल वेंट स्ट्रेट, बीरबल सीधे गया, सीधा गया। इन टू द गार्डन मतलब कि बगीचे में, बीरबल वेंट स्ट्रेट इन टू द गार्डन मतलब बीरबल सीधा बगीचे में गया। वेयर मतलब कि जहां, सलीम एंड हिज बेस्ट फ्रेंड, जहाँ पर सलीम और उसका बेस्ट फ्रेंड मतलब कि जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था वर सिटिंग, वहाँ बैठे हुए थे। इन द स्विंग मतलब कि झूले में, दोस्तों एस डब्ल्यू आई एन जी इसको स्विंग पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है झूला, जहाँ पर वो झूले में बैठे हुए थे। एंड चैटिंग और वो बात कर रहे थे, चैट करने का मतलब होता है बातचीत करना, एंड चैटिंग मतलब कि वो बात कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। ही केम नियर सलीम, दोस्तों ये भी हमारा अफर्मेटिव का वाक्य है पास्ट इंडेफिनेट का और ये कम की सेकेंड फॉर्म है। केम, ही केम, वह आया, नियर सलीम, वह सलीम के पास आया। एंड प्रिटेंडेड, दोस्तों प्रिटेंड का मतलब होता है किसी चीज़ का नाटक करना या सिर्फ दिखावा करना, प्रिटेंडेड। और ये प्रिटेंड फर्स्ट फॉर्म है और ईडी लगने के बाद ये सेकेंड फॉर्म हो जाती है, प्रिटेंडेड मतलब नाटक किया। टू विस्पर, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, फुसफुसाने का या कुछ कुछ भी धीरे से कहना उसे विस्पर कहा जाता है, ये भी एक वर्ब है आप इसे नोट कर सकते हैं। डब्ल्यू एच आई एस पी आर विस्पर, इसको विस्पर पढ़ा जाता है। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का, ही केम नियर सलीम, वो सलीम के पास आया। एंड प्रिटेंडेड टू विस्पर, और उसने दिखावा किया है, कह सकते हैं नाटक किया, टू विस्पर कुछ फुसफुसाने का। इन टू हिज ईयर्स उसके कानों में, बट लेकिन, Did not say anything, लेकिन कुछ नहीं कहा। तो आप इस पूरी लाइन का मतलब अच्छे से समझ गए होंगे कि वो जो मतलब जो बीरबल थे वो आए सलीम के पास और उन्होंने ऐसा दिखावा किया कि वो मतलब कुछ फुसफुसा रहे हैं या कुछ धीरे से कह रहे हैं कानों में, किसके मतलब कि सलीम के कानों में कुछ कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि वो कुछ कह रहे हैं लेकिन असल में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। चलिए आगे देखिए, As he was about to depart, depart का मतलब होता है किसी जगह से रवाना होना या फिर निकलना, डी ई पी ए आर टी, depart इसको पढ़ा जाता है, आप इसे नोट कर सकते हैं। depart का मतलब निकलना या फिर रवाना होना। तो क्या मतलब हुआ, As जैसे कि he was about to depart, about to का मतलब होता है वाला है, वाला था, जैसे कि ही वॉज अबाउट टू डिपार्ट, और ये जो ही है वो बीरबल के लिए यूज़ किया गया, ही मतलब वह और ये यहाँ पर बीरबल के लिए इस्तेमाल किया गया। एज ही वॉज अबाउट टू डिपार्ट, जैसे ही वो निकलने वाले थे, ही सैड, उन्होंने कहा लाउडली मतलब ज़ोर से, टू सलीम, सलीम को कहा, प्लीज़ डू नॉट टेल दिस, प्लीज़ डू नॉट टेल दिस, मतलब प्लीज़ डू नॉट टेल दिस मतलब ये मत कहना। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि यहाँ पर वो दोनों दोस्त बैठे हुए हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं और यहाँ ये जो अकबर हैं वो उनको देख रहे हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो बीरबल हैं वो उनके उसके कान में, सलीम के कान में कुछ कह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अब आगे से स्टोरी में क्या होता है।
प्लीज डोंट टेल दिस टू एनीवन, मतलब ये किसी से मत कहना, मतलब ऐसा बीरबल ने कहा लाउडली, जैसे हमने पिछले पेज पर देखा था, तो ये आगे यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। प्लीज़ डोंट टेल दिस टू एनीवन, मतलब ये किसी को मत बताना, ये किसी से मत कहना। चलिए आगे देखिए, द मिनिस्टर्स सन। दोस्तों यहाँ मिनिस्टर के बाद एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। एपेस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की, जब भी हम किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग हमको करना होता है। तो क्या मतलब हुआ, द मिनिस्टर्स सन, जो मिनिस्टर का मतलब मंत्री का बेटा था, बिकेम क्यूरियस। दोस्तों क्यूरियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उत्सुक या फिर जिज्ञासु। वो क्या हुआ था, जो मिनिस्टर का जो बेटा था, मंत्री का बेटा था, वो बिकेम क्यूरियस, मतलब वो उत्सुक हो गया। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जैसा हमने इस स्टोरी में देखा, जो बीरबल थे उन्होंने सलीम के कानों में आकर कुछ कहा, हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा दिखाया कि उन्होंने कुछ बोला है। और जब वो जाने लगे तो वो ये कह के गए कि ऐसा किसी से मत बोलना, ये मतलब ये बात किसी को मत बताना। तो जिस वजह से जो मंत्री का बेटा सलीम के साथ बैठ कर बात कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गया कि वो मतलब ऐसा उन्होंने क्या बोला है। तो वो इसलिए यहाँ पर इस लाइन को लिखा गया है कि जो मिनिस्टर का बेटा था, मंत्री का बेटा, वो क्या था, वो उत्सुक हो गया। चलिए आगे देखिए, ही आस्ड सलीम, उसने सलीम से पूछा, वॉट डिड बीरबल से। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, ये पास्ट इंडेफिनेट का इंट्रोगेटिव वाक्य है, और यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड को का भी प्रयोग किया गया। इंट्रोगेटिव वर्ड है इसमें वॉट, वॉट का मतलब होता है क्या। और जब भी आपको इस तरह का वाक्य बनाना है पास्ट इंडेफिनेट में इंट्रोगेटिव, तो यदि आपके पास यदि आप कोई इंट्रोगेटिव वर्ड यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले आपको उसके आगे लिखना है, उसके बाद आपको डिड का प्रयोग करना है, फिर वर्ब, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखना है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही आस्ड सलीम, उसने सलीम से पूछा, वॉट डिड बीरबल से, मतलब कि बीरबल ने क्या कहा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी है, तो उसने मतलब कि सलीम से, उस लड़के ने पूछा, मंत्री के बेटे ने, वॉट डिड बीरबल से, बीरबल ने क्या कहा। चलिए आगे देखिए, सलीम सेड, सलीम ने कहा, ही मतलब कि उसने, ही डिड नॉट इवन अटर अ वर्ड इन माई ईयर, उसने क्या कहा, ही डिड नॉट इवन अटर, अटर का मतलब बोलना, ही डिड नॉट इवन अटर अ वर्ड, मतलब कि उसने एक शब्द भी नहीं बोला मेरे कानों में। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है, हाउएवर का मतलब है हालांकि, द मिनिस्टर्स सन Did not believe it, ये नेगेटिव का वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट का, मतलब क्या हुआ, हाउ, हालांकि, द मिनिस्टर सन डिड नॉट बिलीव इट, कि मतलब जो हालांकि जो मिनिस्टर का बेटा था, मंत्री का बेटा, डिड नॉट बिलीव इट, उसने इस बात पर यकीन नहीं किया, उसने इस पर यकीन नहीं किया। ही थॉट, ये थिंक की सेकेंड फॉर्म है, ही थॉट, उसने सोचा, बीरबल मस्ट हैव सैड समथिंग बैड अबाउट मी, क्या मतलब हुआ, ही थॉट, उसने सोचा कि जो बीरबल है मस्ट हैव सैड, मतलब उसने, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट का, जहाँ पर मस्ट हैव का प्रयोग किया गया। तो उसका क्या मतलब हुआ कि उसने क्या सोचा, बीरबल मस्ट हैव सैड समथिंग बैड अबाउट मी, बीरबल ने अवश्य ही मेरे बारे में कुछ बुरा कहा होगा। एंड सलीम, इसलिए, और सलीम इज कंसीलिंग इट फ्रॉम मी, और जो सलीम है वो कंसील, कंसील का मतलब था छुपाना, सलीम जो है, सलीम इज कंसीलिंग इट फ्रॉम मी, और जो सलीम है वो इसे मुझसे छुपा रहा है। चलिए, ऐसा उसने सोचा, आई थिंक, मुझे लगता है, ही डज नॉट लाइक मी, मुझे लगता है वह मुझे पसंद नहीं करता है, आई थिंक ही डज नॉट लाइक मी, ओनली ही कैन नॉट से टू मी, लेकिन वो जो है इस बात को कह नहीं सकता है। ही लेफ्ट, ये लीव की सेकेंड फॉर्म है, लेफ्ट इसका मतलब होता है चले जाना, ही लेफ्ट, वह चला गया, द प्लेस मतलब उस जगह से चला गया, ही लेफ्ट द प्लेस, उसने उस जगह को छोड़ दिया, एंड और नेवर केम बैक टू सलीम, और वो कभी भी सलीम के पास वापस नहीं आया। तो दोस्तों ये एक छोटी सी और बहुत ही मज़ेदार फनी सी स्टोरी थी। जैसा आपने देखा यहाँ पर, जो अकबर थे वो ये चाहते थे कि जो उनके बेटे की जो दोस्ती है उसके मंत्री के बेटे के साथ वो टूट जाए, और उन्होंने बीरबल को भेजा, और बीरबल ने एक छोटी सी ट्रिक चली, उसने उनके कान में कुछ बोला सलीम के कान में, जिससे मंत्री के बेटे को लगा कि उसने कुछ कहा है, और जब उसने पूछना चाहा तो सलीम कुछ बता नहीं सका, क्योंकि उसके कानों में बीरबल ने कुछ नहीं कहा था, जिसकी वजह से उनकी दोस्ती टूट गई। तो दोस्तों बहुत ही फनी स्टोरी थी, और यदि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो और आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास भी पसंद आया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएँ आपको स्टोरी कैसी लगी। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।